हाय, वेलकम द जीपीडी शो। मैं हूँ भावना तिवारी और आज मैं आप लोगों को लखपरिया नामक एक जगह ले चलूंगी, जहाँ पांडव लोग अपने अज्ञातवास के दौरान रुके हुए थे। और लोगों के द्वारा यहाँ बताया जाता है कि लखपरिया में 1,00,000 से भी ज़्यादा गुफाएं बनी हुई थी, जो समय धीरे धीरे गुजरते हुए मिट्टी के अंदर बहुत सारी गुफाएं दब चुकी हैं। और कुछ गुफाएं अभी 14-15 गुफाएं हमें देखने को मिल सकती है, जो मैं आप लोगों को दिखाने ले जा रही हूं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। लखपरिया गुफा का नाम 1,00,000 गुफाओं के कारण नाम पड़ा था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय शहडोल जिले के बुढ़ार तहसील अंतर्गत लखपरिया गांव में बिताया था। जनश्रुति और इतिहासकारों के मुताबिक अज्ञातवास के दौरान पांडवों का शहडोल जिले में विचरण रहा है। इस दौरान वे तब के घने जंगलों के बीच अर्जुला क्षेत्र में पहुँचे। वहां रहते हुए एक ऐसी गुफा बनाई जिसमें 1,00,000 कक्ष थे। इसके बाद उनका नाम लखपरिया पड़ गया। यह क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है। पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान मिले शिलालेखों से यह तथ्य सामने आता है कि लखपरिया में स्थित गुफाओं का निर्माण 2री-3री सदी में 6वीं सदी के दौरान किया गया होगा। कठोर लाल रेत और मजबूत चट्टानों से निर्मित इस गुफा में अब कुछ ही कमरे सुरक्षित बचे हुए हैं, बाकी सभी का प्रवेश द्वार मिट्टी से दब गया है।
तालाबों के भीतर से मिले हुए अवशेष पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि लखपरिया के आसपास खुदाई करने से गुफाओं की श्रृंखला मिलती है। आसपास के तालाबों से आज भी ऐसी कई प्रतिमाएं निकलती है जो यह बताती है कि पांडव कालीन समय में यहां गतिविधियां रही होगी। लखपरिया के गुफाओं का रहस्य जानने आज भी लोग दूर दूर से शहडोल पहुँचते हैं। पांडवों के गुफाओं के नाम से है। मशहूर इतिहासकार मानते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट की नगरी सुहागपुर में भी कुछ समय तक रहे हैं। यह लखबरिया से कुछ दूरी पर स्थित है। यहां मकर संक्रांति पर विशाल मेला भी लगता है। 13 गुफाएं आज भी सुरक्षित है। लखबरिया की गुफाओं को लेकर मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव पहुँचे थे और 100,000 गुफाओं का निर्माण भी किया था। वर्तमान में लगभग 13 गुफाएं सुरक्षित है, बाकी मिट्टी में दब चुकी है। लखपरिया मंदिर परिसर में पांडव काल में स्थापित राम जानकी मंदिर भगवान शिव शंकर की शिवलिंग स्थापित है, जो पांडव काल से पांडवों के द्वारा स्थापित की गई थी। बताया जाता है कि कुछ साल पहले खुदाई के दौरान एक अनोखी शिवलिंग मिली थी और हर गुफाओं में शिवलिंग है। यहाँ कई सालों से चली आ रही कांवड़ चढ़ाने की प्रथा, अमरकंटक से नर्मदा माँ का जल लेकर पैदल चलकर भक्त आते हैं। लखबरिया धाम यहाँ सावन मास से में सोमवार को पहुँचते हैं। भंडारा का आयोजन होता है। यहाँ बसंत पंचमी को लगने वाले 3 दिवसीय में विशाल मेला का आयोजन भी होता है।
इस लखबरिया के ऐतिहासिक पावन भूमि को वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट से निवेदन है कि इस जगह के विकास के लिए उचित से उचित कदम बढ़ाया जाए। Thank you.
ये माता राम के नाम से जगह है, हाँ, हाँ, इन्हीं के नाम से जगह हुआ है ना लगभरिया, माता राम की जगह या स्थान ये। अच्छा, तो माता जी राम यहाँ जो गुफा गुफा से जाते हैं इलाहाबाद, बस गुफा में गुंजे आते रहे हैं लोग फिर जाते हैं, हाँ? शक्ति रह गई तब न हो, अब ला के जब जे जाऊँ कह दे कि हमारे यहाँ की चीज खाई थी तहाँ के ला के उधर दे रहे दरोगा साहब कहीं हम इलाहाबाद बनारस की पकौड़ी कही थी उन्हें जाके घर दिन पर्ची बनवा के ले आई खाए हो एक घड़ी मानी ला के कई दिन तक तो आज वो रंगीर परिभा आगे परीक्षा ले रहे थे। ये भी बहुत पुराना है देख, प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद लाई थी, कहाँ गया, कहाँ कौन ही देखा दिया, हनुमान जी को भी बहुत पुराना है ना।